नमस्कार दोस्तों, दोस्तों मैं शिव कुमार। दोस्तों आज मैं आप लोग को बताऊंगा वेटिंग टिकट के बारे में। जो हम ऑनलाइन टिकट बुक करते हैं, कंफर्म ना होने पे हमारा टिकट कैंसिल हो जाता है। अगर आप वही वेटिंग टिकट स्टेशन से ले रहे हैं तो वो कैंसिल नहीं होगा, आप उस पर यात्रा कर सकते हैं। जो ऑनलाइन बुकिंग है उस पर यात्रा नहीं कर सकते, यानी सफ़र नहीं कर सकते हैं। और जब कैंसिल होता है तो हमारे पैसे पूरे भी नहीं आते, टिकट के कुछ चार्ज कट के आता है। जैसे बैठने वाले सीट का हो गया 60 रुपये चार्ज होता है, और स्लीपर का 120 रुपये, और एसी का 180 रुपये चार्ज करके आता है। देखिए मैंने भी ढेर सारे वेटिंग टिकट निकाले हैं, ये सब वेटिंग ही है मेरा। 16/6/13/4/13 मैं एजेंट हूँ, मैं एजेंट आईडी से निकालता हूँ। आप पर्सनल आईडी से ऐसा नहीं करना कि सभी का टिकट निकालें, पर्सनल होता है सिर्फ अपने लिए। दोस्तों अगर जब टिकट कैंसिल हो जाता है ऑटोमेटिक, आपको टिकट कैंसिल करने की ज़रूरत नहीं होती है, उसमें ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाता है। और कैंसिल कब दिखाई देगा, जब ट्रेन अपने स्टेशन से अपने दूसरे स्टेशन तक पहुंच नहीं जाएगी। जैसे फिल्लौर से, देखिए मैंने यहाँ पे सहायगंज लिखा हुआ है, फिल्लौर से चल के जब तक सहायगंज पहुँच नहीं जाएगी तब तक आपका टिकट कैंसिल नहीं होगा। अगर इसके आगे भी ट्रेन जाएगी, जहाँ उसका लास्ट स्टॉप होगा वहीं से कैंसिल होगा वो। जैसे ये फिल्लौर से डायरेक्ट साहिबगंज की गाड़ी जाएगी तो कैंसिल हो जाएगा, अगर उसके आगे और जाएगा एक दिन भी लगेगा तो एक दिन बाद ही वो कैंसिल होगा। रहेगी बात पैसे वापस आने की, अगर आप जैसे पेटीएम से करते हैं तो 24 घंटे के अंदर में पैसे वो आ जाते हैं, 24 से 48 घंटे, इससे ज़्यादा नहीं होता है। अगर आप डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, एटीएम कार्ड से बुक पेमेंट करते हैं तो आपका 9 से 12 दिन के अंदर में पेमेंट आता है, अधिकतर करके 9 दिन के अंदर में ही आ जाता है। जब कोई दिक्कत होता है तभी 12 दिन के अंदर में हमारे पैसे अकाउंट में आते हैं। भीम यूपीआई भी हो, भीम हो यूपीआई, चाहे जिससे अभी करेंगे यूपीआई का भी वही सेम है, 9 से 12 दिन पेमेंट आने का है। सिर्फ वॉलेट जो होता है, वॉलेट से अगर आप पैसे कटाते हैं तो वॉलेट का 24 से 48 घंटे में हमारे पैसे आ जाते हैं, 24 से 48, और उसमें पैसे आ जाते हैं। बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको कुछ जानकारी चाहिए आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको तत्काल जवाब दूंगा।